इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास सिक्स का सेट वन करने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में पूछेगा। हम पांच सेट कराएंगे, जिसमें से एक सेट आपका अवश्य आएगा। तो आप पांचों सेट एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए और जाके 50 में 50 अंक पाइए। तो चलिए, हम दो दो नंबर वाला के आठ गो है, चार गो है, तो आठ नंबर का है ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं, बिहार का एक मशहूर पर्व क्या है। तो बिहार का मशहूर पर्व हमारा छठ पूजा है। ये हमारा छठ पूजा है, बिहारी के लिए ही छठ पूजा है। छठ एक पर्व नहीं हम मनाते हैं, ये हमारा एक पहचान है, छठ पूजा, जो हमारा फेवरेट पर्व है, हमारा भी। तो चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं। हम हरा यातायात लाइट दर्शाता है। हरा यातायात लाइट क्या दर्शाता है? तो वाहन रोके, धीरे चले, वाहन के चलने का संकेत, पैदल पार करना। तो वाहन को चलने के लिए हरा बत्ती जलता है। मानचित्र में भूरा रंग कौन सी पर्वत को दर्शाता है? तो पर्वत हो गया, तीन के क हो गया, ठीक। अगला देखिए, जैन शब्द जिन शब्द से निकल के बना, जैन मतलब जीतने वाला। तो चलिए देखते हैं, जैन शब्द जीतने वाला ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, जैन शब्द जीतने वाला। दो नंबर देख लीजिए, पुष्य मित्र शुंग ने .. धर्म को बढ़ावा दिया। कौन धर्म को बढ़ावा दिया? बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को, ठीक। संगम शब्द का तात्पर्य है, संगम शब्द का तात्पर्य है कवियों की सभा, ठीक। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, कपिल वस्तु में, ठीक। अब मिलान करने वाला है, ये भी 8 मार्क्स का है। तो चलिए देखते, सौर परिवार का मुखिया सूरज है। वार्ड, तो वार्ड का क्या हो जाएगा? वार्ड का हो जाएगा वार्ड प्रति, वार्ड का प्रतिनिधित्व को वार्ड कहते हैं। पृथ्वी का मॉडल है ग्लोब, ग्लोब को देखते हम, हमारे मन में कैसा फीलिंग आता है कि हाँ हम इसी पे हैं, ग्लोब को देखते हैं। तो महादंड नायक कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक। अब चार नंबर में देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक, जिसमें आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है, 4 चौके 16 मार्क्स का है, ठीक। तो पहले हम क्वेश्चन आपको सब पढ़ा देते हैं और फिर एक लाइने से हम आपको आंसर भी दे देते हैं। तो क्वेश्चन पर को हम आपको सुना देते हैं, क्वेश्चन भी आप सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप भारत से रोम को निर्यात एवं आयात होने वाली 3 वस्तुओं की सूची बनाना है, ठीक। हुन कौन थे? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी का पर कितने कटिबंध हैं? पांचवा क्वेश्चन, सरकार से आप क्या समझते हैं? छठा क्वेश्चन, जेब्रा क्रॉसिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक। अब 10 मार्क्स वाला आ गया, 10 मार्क्स वाला है, एक बनाना है आपको, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार में और कौन कौन तत्व होते हैं, ठीक। अगला है आपका, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से होती है, ठीक, जिन जिन माध्यम से होती है, हो सकती है, उसकी एक सूची बनाइए। तो चलिए देखते हैं, ये सब का आंसर अब देखते हैं। तो चलिए, 4 का आंसर देखिए, 4 का आंसर ये, 4 का पहला का आंसर ये है, ठीक। क्या क्या है? भारत से रोम निर्यात वस्तु काली मिर्च एवं गर्म मसाले, रोम से भारत आयात वस्तु संस्कृति एवं स्वर्ण शराब दीपक, ठीक, जो हमारा आयात होता है। निर्यात क्या होता है? तो मिर्च, काली मिर्च और गर्म मसाले, ठीक। हम सबको पढ़ के सुनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। ये दूसरा का आंसर रहा, ये तीसरा, ये चौथा रहा, चौथा आंसर यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक है चौथा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम सब दिखा रहे हैं, और चाहे तो आप कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पांचवा देख लीजिए, यहाँ है आपका पांचवा, ठीक। छठा देख लीजिए, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग वाला, ठीक, छठा आपका यहाँ हो गया। अब ये चौथा का छठा है और ये पांचवा आपका रहा आंसर, ठीक। ये पूरा आपका पांचवा है, पांचवा का पहला का, ठीक, इतना तक, ये यहाँ तक पांचवा का पहला, ये रहा पांचवा के दूसरा, ठीक।
ये भी आपका पांचवा का दूसरा क्या है, इतना बड़ा लिखिएगा तब 10 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक, ये आपका पांचवा का दूसरा है। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और पांचवा का दूसरा इतना बड़ा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, लेकिन उससे छोटा है आपका पांचवा का तीसरा, बस इतना ही, और लिखिए और 10 नंबर आप पाइए। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सभी सेट इस चैनल के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।